हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सिक्स सम देखते हैं। हमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विदाउट एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। किसको हम प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल टू माय लेफ्ट हैंड साइड, 0 ए माइनस बी माइनस ए, 0 माइनस सी बी सी 0। अब यहां ध्यान से देखिए आप कि मेरे पास अल्टरनेटिव टर्म्स में साइन चेंज हो रहे हैं। सो मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं टेकिंग माइनस वन और नेगेटिव कॉमन फ्रॉम ईच रो। मैं हर रो से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं। सो डिटरमिनेंट से हमें मालूम है कि इस रो से हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, फिर इस रो से हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, फिर इस रो से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। सो साइंस भी चेंज हो जाएंगे। रो वन में अब जीरो, जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, फिर जीरो रिमेन्स जीरो, जीरो माइनस ए बी, सो पॉजिटिव ए जीरो, पॉजिटिव सी नेगेटिव बी, नेगेटिव सी इज इक्वल टू जीरो। इनको सॉल्व करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो माइनस ए बी, ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी माइनस जीरो। अब हमें एग्जामिनर ने क्या कहा है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इसको सॉल्व कीजिए। सो यहां पे मैं अप्लाई कर लेता हूं प्रॉपर्टी वन, By using property वन, क्या तो इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। प्रॉपर्टी वन हमें क्या कहती है कि अगर हम ऑल द रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। सो प्रॉपर्टी वन, सो मैं क्या करता हूं कॉलम वन को रो वन में चेंज कर देता हूं, कॉलम वन, कॉलम वन को अब मैं रो वन में लिख लूंगा। सो कॉलम वन का पहला एलिमेंट क्या है, जीरो ए माइनस बी, इसी तरह कॉलम टू को रो टू में माइनस ए जीरो माइनस सी, कॉलम थ्री रो थ्री बी सी जीरो। अब अगर आप कंपेयर करें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लेट किया था डेल्टा, इसको हम अगर मान लें इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यह कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू अब बन गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा। सो आई कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने प्रूफ क्या करना था, इज इक्वल टू जीरो, सो नेगेटिव साइन इस साइड आके पॉजिटिव, सो टू डेल्टा बिकम जीरो, सो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू जीरो। So I can say that my left hand side is equal to right hand side, proved। ये हमारा sum proved हो गया। कैसे किया ये sum को, हमने देखा कि यहाँ पे alternatives का sign में change है, मतलब एक तरफ positive है एक तरफ negative था, तो मैंने क्या किया तीनों row में से negative sign को common out ले लिया, उसके बाद property one को use करते हुए interchanges कर दी all rows इंटू कॉलम्स, उसके बाद
बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दी, सो आई गेट जीरो। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का सेवन सम देखते हैं। हमें क्या गया, एक डिटरमिनेंट दिया है, उसे हमें प्रूफ करना है 4a² b² c² बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप, लेट हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं, इसे हम कह देते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए स्केयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्केयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्केयर। अब पहला स्टेप हमारा होता है कोई इसमें रिलेशन ढूंढना, जो हमारी गिवन डिटरमिनेंट है उसमें क्या कॉमन है या कोई क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे आप रो वन को ध्यान से देखिए ए ए ए, इसी तरह रो टू को बी 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 और रो थ्री को सी सी सी। आप इसे और तरीके से देख सकते हैं कॉलम वाइज भी। कॉलम में भी मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, कॉलम टू में भी बी कॉमन आ रहा है और कॉलम थ्री में भी सी कॉमन आ रहा है। आप किसी में से भी निकाल सकते हैं कॉमन, चाहे रो में से निकाल लें चाहे कॉलम से निकालते। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम रो वन एंड कॉमा बी फ्रॉम रो टू एंड सी फ्रॉम रो थ्री। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम रो वन बी फ्रॉम रो टू एंड सी फ्रॉम रो थ्री। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इंटू सी टेकन आउट, सो माइनस ए बी सी, यहाँ से बी गया कॉमन, ए माइनस बी सी। अब यहाँ से सी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ए बी माइनस सी। यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें पूछा क्या गया है, उसने कहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है। सो हमारे पास कुल टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मुझे बेस्ट सुटेबल प्रॉपर्टी लग रही है प्रॉपर्टी 6। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, सिक्स प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि इफ वी अप्लाई ऑपरेशंस ऑन अ डिटरमिनेंट, चाहे आप रोज पे लगा लो चाहे कॉलम्स पे लगा लो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे अब हम ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं रोज में। सो अगर माइनस ए प्लस ए इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो, यहाँ पे भी माइनस प्लस है सो जीरो। तो सिंपली ऑपरेशन लग जाएगा अप्लाई ऑपरेशन इन रो वन, रो वन में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं आर वन प्लस आर टू एंड आर टू में आर टू प्लस आर थ्री। यहां पे आपको ऑपरेशंस का पैटर्न चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। सो अब हमारा वी गेट, अगर हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी। सो हमारा पहला ऑपरेशन कहां लग रहा है, रो वन में, क्या है आर वन प्लस आर टू, माइनस ए प्लस ए बिकम जीरो, बी प्लस माइनस बी आल्सो बिकम जीरो, सी प्लस सी टू सी। अब सिमिलर रो टू में हमारा क्या ऑपरेशन लग रहा है, आर टू प्लस आर थ्री, ए प्लस ए टू ए, माइनस बी प्लस बी जीरो, प्लस बी माइनस सी जीरो एंड सिमिलरली ए बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड में हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि हम उस रो या उस कॉलम के साथ एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों।
तो यहाँ पे मेरे पास रो वन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं और रो टू में भी और कॉलम टू में भी. सो मैं लिख देता हूँ एक्सपैंड बाय रो वन. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, एक्सपैंड बाय रो वन. सो एक्सपैंड का आपको रूल मालूम है, अगर फिर भी एक बार हम क्लियरिफाई करते हैं. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो ये हमारे साइंस यूज होते हैं अगर हम, अगर मैं रो वन के साथ एक्सपेंड करूं एक टर्म के साथ, अगर फर्स्ट टर्म आएगा तो प्लस, सेकंड टर्म के साथ हम आगे सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव, फिर अगले टर्म के साथ यूज करेंगे तो पॉजिटिव. सो ये तो दोनों जीरो ही है. सो मेरे पास क्या बचा, प्लस टू सी, प्लस टू सी. प्लीज इट नोट इट डाउन, मैं आपसे रब कर देता हूं. सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी एक्सपैंड, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो जीरो. सो टू सी के साथ एक्सपैंड कर देते हैं तो हमें मालूम है जिसमें जिस टर्म के साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो रो कैंसल और वो कॉलम कैंसल. तो मेरे पास क्या बचा, टू सी साथ एक्सपेंड किया तो टू ए जीरो ए बी. सो नेक्स्ट एरो रूल्स सॉल्व करने के लिए, इस तरफ एरो, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपवर्ड तो वी टेक नेगेटिव साइन विद इट. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी एस एच टू सी बी, अभी एस एच ही लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू ए बी माइनस ए इंटू जीरो बिकम जीरो. सो अब हमारे पास क्या बचा, टू इंटू टू, ये तो जीरो ही हो जाएगा है ना, टू इंटू टू फोर, ए इंटू ए ए स्केयर, बी इंटू बी बी स्केयर, सी इंटू सी सी स्केयर. सो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. सो प्रूव्ड. अब हमने इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सिक्स. अब हम इस एक्सरसाइज का एट सम देखते हैं. सिमिलर वे से हमें क्या कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज प्रूफ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें देखते हैं, कोई रिलेशन और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे क्वेश्चन में. सो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि रो वन का फर्स्ट एलिमेंट भी वन है, रो टू का भी फर्स्ट एलिमेंट वन है एंड रो थ्री का भी फर्स्ट एलिमेंट वन है. सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑपरेशंस लगा के जीरो बना लूंगा, इसको भी जीरो बना लूंगा, फिर कॉलम वन के साथ हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो हम करते हैं, लेट हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड डेल्टा इज इक्वल टू वन 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 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर. अब हम यहाँ पे ऑपरेशंस यूज करेंगे. ऑपरेशंस वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स. बाय प्रॉपर्टी सिक्स आप कह सकते हैं कि ऑपरेशंस हम लगा देते हैं आर टू में लगाएंगे, सच डैट आर टू माइनस आर वन, एंड ऑपरेशंस लगा देते हैं रो थ्री में, रो थ्री सच डैट रो थ्री माइनस रो टू. ये हमारी कौन सी होगी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स. प्रॉपर्टी सिक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स. प्रॉपर्टी सिक्स हमें क्या कहती है कि अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज. अब हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं. सो डेल्टा रो वन एज सच, क्योंकि हमने रो वन में कुछ भी चेंज नहीं किया. सो ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, रो टू में, सच डैट आर टू माइनस आर वन, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस ए,
बी स्केयर माइनस ए स्केयर। सिमिलर वे में ऑपरेशन रो थ्री में सच डेट आर थ्री माइनस आर टू सो वन माइनस वन जीरो सी माइनस बी सी स्केयर माइनस बी स्केयर। सो अब हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड बाय कॉलम वन सी वन, एक्सपैंड बाय कॉलम वन। तो हमारे पास इसे रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हम कॉलम वन से एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो मेरा गिवन इक्वेशन है वो रिड्यूस हो किस फॉर्म में आ जाएगी, वन इंटू बी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर सी माइनस ए इसी तरह सी स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, बी स्केयर माइनस ए स्केयर। सो आई कैन राइट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके वन इंटू समथिंग वन बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए इसी तरह सी माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं सी प्लस बी सी माइनस बी, सॉरी यहां पे हमारे पास सी माइनस बी है। सो इसे चेंज कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा सी माइनस बी। सो अब रो वन से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, बी माइनस ए, और रो टू से सी माइनस बी को हम कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन बी माइनस ए फ्रॉम आर वन एंड सी माइनस बी फ्रॉम आर टू, सो इनमें से कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, यहाँ पे क्या बचेगा वन बी प्लस ए, सिमिलर वे से यहाँ से भी वन बचेगा, सो सी प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव साइन साथ में जाएगा, सो बी माइनस ए सी माइनस बी, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा सी प्लस बी, माइनस साइन साथ में जा रहा है सो माइनस बी माइनस ए, सो बी बी कैंसिल आउट, सो मेरे पास क्या बच गया सी माइनस ए। सो मेरा फुल क्वेश्चन रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया। अब इसको मैंने जिस वे में प्रूफ करना है ए माइनस बी, तो यहां पे मेरे पास क्या है बी माइनस ए, तो बस इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं हमारे डिजायर्ड फॉर्म में। सो रीअरेंज कर लेते हैं, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, सो दूसरा क्या है बी माइनस सी, यहां से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं इससे भी सी माइनस बी इसी में सी, यहां से भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते आ गया बी माइनस सी सी माइनस ए, ये तो इसी फॉर्म में है सी माइनस ए। सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड। अब हम एट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट है, सो राइट हैंड में हमें एक इक्वेशन दी हुई है इसके इक्वल प्रूफ करना है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले हम कोई रिलेशन और पैटर्न ढूंढेंगे हमारे डिटर्मिनेंट में, सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, लेट डेल्टा इज इक्वल टू हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
वन 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 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसमें एक मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे रो वन के एलिमेंट सारे सेम है और आइडेंटिकल वन वन एंड वन। अगर इसमें मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ लाइक कॉलम्स में हम ऑपरेशन लगा देते हैं कॉलम टू माइनस कॉलम वन, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉलम टू में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सच डैट कॉलम टू बाय माइनस बाय कॉलम वन, एंड सिमिलर वे हम कॉलम थ्री में ऑपरेशन लगा देते हैं सच डैट कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू बाय प्रॉपर्टी सिक्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स। हमें प्रॉपर्टी सिक्स क्या बताती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ वी अप्लाई ऑपरेशंस। ओके सो हम इसमें अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कॉलम टू माइनस वन, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, सो वन माइनस वन, सो कॉलम वन तो ऐसा अच्छी लिख लेते हैं जीरो, बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू, सो जीरो, सी माइनस बी सी क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग रो वन। हम एक्सपेंड हमेशा उनसे ही करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों, तो हमारी कैलकुलेशन में बहुत टाइम सेव हो जाएगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें क्या मिल रही है रो वन में, सो एक्सपेंड बाय रो वन। ठीक है जी, अब हम रो वन की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो मेरे पास रो वन की तरफ से एक्सपेंड किया तो मेरे पास क्या बच गया, वो एलिमेंट यहाँ से जीरो इंटू जीरो, ये तो सर जीरो ही आ जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है वन, जिसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। सो ये एलिमेंट कैंसिल हो जाता है टर्म, वो कॉलम भी कैंसिल हो जाता है, तो मेरी रिड्यूस फॉर्म में क्या आ गया डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या आ गई बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी माइनस बी सी क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मेरा डिटरमिनेंट रिड्यूस हो गया टू इंटू टू की फॉर्म में, जो कि हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो उससे पहले अगर मैं देखूं, प्लीज पे अटेंशन, कॉलम वन में बी माइनस ए एंड कॉलम टू कॉलम वन में ही नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो मुझे यहाँ पे एक फार्मूला पता है, हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो, एक्स क्यूब अगर माइनस वाई का क्यूब करें तो हमारे पास क्या आता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है बी और ए। अब हम इसको ओपन करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए, सो यहाँ पे क्या है बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सिमिलर वे से यहाँ पे भी सी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न देखते हैं कि बी माइनस ए बी माइनस ए रो वन से कॉमन आ जाएगा, सी माइनस बी रो टू से कॉमन आ जाएगा। सो प्लीज नोट इट डाउन, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से। सो डेल्टा इज इक्वल टू टेकिंग कॉमन, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम c1 वन एंड सी माइनस बी फ्रॉम सी टू। सो बी माइनस ए कॉमन आ गया, इसी तरह से c माइनस बी भी मेरे पास कॉमन आ गया। सो आई एम लेफ्ट विथ वन
बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, सिमिलर वे से वन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी बी। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आप एक याद रख ली बात, जब हम लेफ्ट से राइटवर्ड जाएंगे अपवर्ड्स तो हम नेगेटिव साइन को साथ लेके जाएंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस बी इन टू, अब डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया है तो डिटर्मिनेंट का साइन नहीं आएगा। सो सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी बी, अब माइनस साइन इसके साथ जा रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी, हमने साथ में कैलकुलेशन कर दी। सो बी स्क्वेयर पॉजिटिव बी स्क्वेयर नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विथ डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस बी, सो आई एम लेफ्ट विथ सी स्क्वेयर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। अब यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं इस टर्म में और इस टर्म में, मेरे पास b कॉमन आ रहा है और c स्केयर माइनस ए स्केयर, यहाँ पे मैं फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सो b माइनस ए सी माइनस बी, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, c स्केयर माइनस ए स्केयर। सो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ, a को b को कॉमन ले लेता हूँ, सी स्क्र माइनस ए स्क्र उसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस बी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच गया, सी माइनस ए। प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे हम रब कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे कैलकुलेशंस को। सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए तो पहले ही था, c माइनस बी भी पहले ही था, तो अब स्क्वेयर ब्रैकेट में जो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ c प्लस ए इंटू सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए, सो प्लस बी सी माइनस ए जो हमारे पास है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास c माइनस ए सी माइनस ए फिर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए सी माइनस बी एंड c माइनस ए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया मेरे पास, c प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड a प्लस बी सी। सो यहाँ पे तीनों के तीनों प्लस में है ए बी सी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या चाहिए, बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव साइन कॉमन आउट लेके ए माइनस बी, सो बी माइनस सी चाहिए था, सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये तो एस सच ही आ जाएगा सी माइनस ए एस सच। सो यहाँ पे ऑल द साइंस आर पॉजिटिव, सो इसे मैं इजिली रेंज रेंज करके लिख सकता हूँ अपने प्रूफ करने वाली फॉर्म में। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्स आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ये किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। सो आवर क्वेश्चन इज प्रूफ्ड। सेम इसी क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 को यूज़ करते हुए हमने अपने गिवन रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें भी हमें एक लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट दी हुई है और राइट साइड में एक इक्वेशन दी है जिसकी इक्वल हमें से प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट डेल्टा हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, क्या आ जाएगी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्स स्क्वायर वाई सी वाई वाई स्क्वायर
जी एक्स जी जी स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न और रिलेशन ढूंढना है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने एट सम में किया था कि मेरे पास एक रो या एक कॉलम वन वन का था, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी ऑपरेशंस यूज़ करके उसे एक्सपेंड करने में। तो वही अप्रोच मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। सो अब मैं यहाँ पे पैटर्न देखता हूँ कि जो मेरा कॉलम थ्री है यहाँ पे एक्स मिसिंग है, वाई मिसिंग है और जी मिसिंग है। अगर मैं इक्वेशन आप कह सकते हैं जहाँ रो वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, रो टू को वाई के साथ एंड रो थ्री को जी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी आ जाएगा। फिर मैं एक्स वाई जी कॉमन लेके यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वन वन वन। सो उसके बाद मैं यहाँ पे ऑपरेशंस को यूज़ करके इस टर्म को और इस टर्म को ज़ीरो बना लूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रो वन को एक्स से मल्टीप्लाई, रो टू को वाई से एंड रो थ्री को जी से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई आर वन कॉमा आर टू एंड आर थ्री बाय एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली। मल्टीप्लाई रो वन विद एक्स, रो टू विद वाई एंड रो थ्री विद जी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा एक्स वाई जी के साथ। सो अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जी, सिमिलरली रो टू वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जी, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई एंड जी। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वन टू थ्री, कॉलम थ्री में से एक्स वाई जी को हम कॉमन आउट ले लेंगे। टेकिंग कॉमन एक्स y z from कॉलम 3, हम कॉलम 3 से एक्स वाई जी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन, मैं इसको रब कर लेता हूं। सो हमारे पास क्या बच गया, एक्स वाई जी कॉमन आउट हो गया। सो पहले से हमारे ओवर में था एक्स वाई जी। सो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब वन वन वन। अब ये हमारा पैटर्न कन्वर्ट हो चुका है हमारे क्वेश्चन नंबर एट की तरह, जिसमें मेरे पास एक रो या एक कॉलम में वन वन था या सिमिलर टर्म्स थी। सो अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूंगा आर वन बाय प्रॉपर्टी सिक्स यूज करते हुए हम यूज करेंगे ऑपरेशंस का। सो लाइक आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे सच डैट आर टू माइनस आर वन, एंड सिमिलर वे से आर थ्री में भी ऑपरेशन लगा देंगे सच डेट आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स। प्रॉपर्टी सिक्स हमें क्या बताती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड अगर हम ऑपरेशंस का यूज करते हैं डिटरमिनेंट में। सो हमारी वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी। सो ये तो हमारा वन आ गया था कैंसिल आउट होके। सो अब ऑपरेशंस लगा के एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, रो वन एस सच ही आ जाएगी। अब रो टू में हमें प्रश्न लगाना है आर टू माइनस आर वन। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वन माइनस वन जीरो, सिमिलरली
जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जी क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन। सो सिर्फ कॉलम वन में मेरे पास एक यही टर्म है जो नॉन जीरो है, बाकी टू टर्म्स क्या आ रही हैं, जीरो। सो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे हमारे टू इंटू टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में, वन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। सो मेरे पास क्या लेफ्ट आउट रह गया, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जी क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हमारे पास जो रिड्यूस होके डिटरमिनेंट आया है टू इंटू टू की फॉर्म में, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूले लिख लेते हैं, जैसे होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिमिलर वे से हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हो तो हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब इन दोनों फार्मूलों का हम यूज़ करके अपने डिटर्मिनेंट को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दैट वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स। सो प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इनको रब कर देता हूँ। अब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सो सिमिलर वैसे वाई माइनस एक्स, सो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। अब जी प्लस एक्स, जी माइनस एक्स, सो जी माइनस एक्स एंड जी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस जी एक्स। अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, मेरे पास रो वन से कॉमन आ रहा है वाई माइनस एक्स एंड रो टू से कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स। सो इसलिए टेकिंग कॉमन वाई माइनस एक्स फ्रॉम रो वन एंड जी माइनस एक्स फ्रॉम रो टू। सो जब ये कॉमन आउट ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, सो अंदर क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, जी प्लस एक्स, जी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस जी एक्स। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि टू बाय टू के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना काफ़ी इजी है। ठीक है, हम एरोस लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जब भी लेफ्ट से राइट जाए अपवर्ड तो हम नेगेटिव साइन को अपने साथ लेके जाएंगे। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, ऐसा ही आ गया। अब देखिए, अब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अब डिटरमिनेंट का साइन नहीं आएगा क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स इंटू जी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस जी एक्स माइनस जी प्लस एक्स इंटू वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पहले y के साथ इस इक्वेशन को, फिर x के साथ, सिमिलरली इस इक्वेशन को पहले से z के साथ फिर x के साथ।
सो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई जी स्केयर प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई जी। एंड अब एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स जी स्केयर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस जी एक्स स्केयर। अब इस टर्म को देखते हैं, नेगेटिव साइन है तो हम यहीं से नेगेटिव साइन सभी में ले लेते हैं। सो माइनस जी वाई स्केयर एंड माइनस जी एक्स स्केयर माइनस जी एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स जी है जी एक्स वाई जी एक्स वाई, सो एक्स वाई जी। अब फिर माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर वाई। अब हमने पूरी तरह से इसे एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसमें से देखेंगे कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाती है, जैसे एक्स वाई जी माइनस का है यहाँ पॉजिटिव, फिर माइनस जी वाई स्केयर माइनस जी वाई स्केयर, सो ये टर्म तो मिली नहीं, माइनस जी एक्स स्केयर माइनस जी एक्स स्केयर, सो ये रहा मेरे पास प्लस जी एक्स स्केयर, ये रहा माइनस जी स्केयर, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब माइनस एक्स वाई स्केयर, तो वाई स्केयर वाली इसमें कोई टर्म है ही नहीं, ओके, एक्स क्यूब माइनस का प्लस एक्स क्यूब, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो अब क्या बचे, पर माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई। अब आप ऊपर देखिए एक्स स्केयर इन एक्स स्केयर ये रहा प्लस वाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस आल्सो कैंसिल आउट्स, सो आई एम लेफ्ट विथ, इन्हें कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास क्या बच गया, वाई जी स्केयर प्लस एक्स जी स्केयर माइनस जी वाई स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर। प्लीज नोट इट डाउन, मैं इसको अब रब कर देता हूँ आगे। अब हम इन दो टर्म्स का पेयर बना लेंगे, इन दो टर्म्स से मेरे पास वाई जी कॉमन आ जाएगा और इन दो टर्म्स से मेरे पास एक्स कॉमन आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, अब ये इक्वेशन लिखी हुई है वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, सो वाई जी स्केयर माइनस जी वाई प्लस एक्स जी स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या कॉमन आया यहाँ से, वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, सो वाई जी कॉमन आउट, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ जी, यहाँ से जी वाई कॉमन आया, जब वाई जी कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ वाई प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया मेरे पास एक्स, सो जी स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो y माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई जी जी माइनस वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई एंड जी माइनस वाई। अब स्केयर ब्रैकेट में से मेरे पास z माइनस वाई कॉमन आउट आ जाएगा, सो आई एम having y minus x z minus x and z minus y y z plus x into z plus y। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, y minus x z minus x z माइनस वाई वाई जी
एक्स जी प्लस एक्स वाई। अब हमारा सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। सो हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, हमने किसकी इक्वल प्रूफ करनी थी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड किसकी इक्वल प्रूफ करनी थी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी थी इक्वल। सो अब हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया इस सारे को, अब हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सो पहले क्या था हमारे पास, x माइनस वाई चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास क्या है y माइनस एक्स। सो आई कैन राइट माइनस कॉमन ले लूँ, सो x माइनस वाई दिस टर्म, सेकेंड इज z माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास z माइनस एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, एंड y माइनस जी, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा माइनस कॉमन ले लूँगा, ये भी क्या बन जाएगी y माइनस जी। सो दिस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सो आगे मेरे पास क्या था एक्स वाई, एक्स वाई सिंपली रीअरेंज करेंगे इसको, प्लस वाई जी, वाई जी प्लस जी एक्स। सो अब हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, जी माइनस एक्स, वाई माइनस जी एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। सो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो हमारा प्रूव हो चुका है। हम टेंथ सम का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, जो मैंने इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो हम सबसे पहले क्या देखते हैं डिटरमिनेंट में, कोई पैटर्न या कोई रिलेशन या कोई लॉजिक। सो यहाँ इस डिटरमिनेंट को देखिए, बड़ा आसान है, आप देख लीजिए अगर आप रो के साइड देखना चाहें या कॉलम के साइड देखना चाहिए, ये तीन ही टर्म हर बार सेम हो रही है, तो मैं क्या करूँगा किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में तीनों को मैं सम कर दूंगा, मेरे पास एक सेम टर्म्स आ जाएंगी किसी रो में या किसी कॉलम में, वहां से मैं कॉमन आउट ले लूंगा। सो 111 वही हमारा एट्थ क्वेश्चन की फॉर्म में ये बन जाएगा। फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे फर्दर। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेट डेल्टा इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस 4, 2x, 2x, सो यहाँ पे भी 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। अब आप किसी में रो में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं या किसी कॉलम में भी ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। सो हम सिंपली कर लेते हैं कि कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा लेते हैं, लाइक कॉलम 1 में ऑपरेशन सच डेट C1 प्लस C2 प्लस C3 बाय प्रॉपर्टी 6। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 6। अगर हम डिटरमिनेंट्स में किसी ऑपरेशंस का यूज करें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, सो वो प्रॉपर्टी यूज कर ली। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, 5x प्लस 4। सो यहाँ में मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4। ठीक है, सिमिलर वे से सेम है, सो सभी में 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। बाकी कॉलम 2 एज सच, क्योंकि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे।
अब देखिए ये आइडेंटिकल टर्म्स आ गए हैं मेरे कॉलम वन में, तो यहां से मैं कॉमन आउट ले लूंगा, टेकिंग कॉमन फाइव एक्स प्लस फोर फ्रॉम सी वन। अब सी वन से मैं क्या करूंगा, फाइव प्लस एक्स फोर को कॉमन ले लूंगा, सो फाइव एक्स प्लस फोर कॉमन आउट। ये पार्ट तो हमारा यहीं पे हो रहा है सॉल्व। सो फर्दर मेरे पास क्या बचा, वन 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 टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स, टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर, कॉलम टू और कॉलम थ्री एज सच। अब यहाँ पे हम ऑपरेशंस को यूज कर लेते हैं रोस में, सो सच डैट रो टू सच डैट आर टू माइनस आर वन, एंड सिमिलर वे से हम आर वन में माइनस करते हैं आर थ्री को भी, सच डैट आर थ्री माइनस आर वन, आर वन को ही हम इसमें से भी माइनस कर देते हैं। सो व्हाट हमारे पास क्या आ जाएगा, वन टू एक्स टू एक्स, सो ज़ीरो। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस फोर ज़ीरो, सिमिलर इससे ज़ीरो ज़ीरो, एंड ये माइनस टू एक्स हो गया, सो प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस फोर। अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम वन, हम एक्सपेंड उसी में से करेंगे जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों, इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। सो एक्सपेंड बाय कॉलम वन, सो मेरा डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा इंटू टू इंटू टू की फॉर्म में एज सच, जिसमें अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम में सिर्फ वन ही नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। सो वन, जिस रो में वन रो है उसको भी कैंसिल, जिसमें वन है वो कॉलम भी कैंसिल, सो एक्स माइनस फोर ज़ीरो ज़ीरो एक्स प्लस फोर। सो अब हमें मालूम है टू और टू का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना काफ़ी इजी है, सो विद हेल्प ऑफ एरोस, इसको हम ऐसे एरो, इसको हम ऐसे एरो लगा लेंगे, सो नेगेटिव साइन, जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड अपवर्ड जाएं तो नेगेटिव साइन हम साथ लेके जाएंगे, सो दिस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी सारे टर्म, सो मेरे पास क्या बचेगा, फाइव एक्स प्लस फोर, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, सो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस फोर इंटू माइनस एक्स प्लस फोर, और इसको मैं रीअरेंज करके भी लिख सकता हूँ, जस्ट यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज करके लिख रहे हैं, फोर पॉजिटिव है इसको आगे लिख लो, माइनस एक्स फोर माइनस एक्स, तो हमारे पास ये किसकी फॉर्म बन जाएगी, फोर माइनस एक्स फोर इंटू माइनस एक्स होल स्केयर, इसकी पावर वन इसकी पावर वन, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो सिंपली वी कैन से डैट एक्स फाइव एक्स प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड, सो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड, जो हमने प्रूफ करना था, गिवन डिटर्मिनेंट को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। बस आप एक पैटर्न याद रखिए, जब भी आपको मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चन आए, सो ट्राई करिए कि आप एक कॉलम या रो को वन वन बना सकें, उससे हमारा काफ़ी इजी हो जाएगा आगे सॉल्व करना। अब हम टेंथ सम के सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसी में भी हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए अगर आप कॉलम वाइज देखना चाहें या रो वाइज देखना चाहिए, ठीक है, एवरी टर्म इज सेम, ठीक है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, सो सिंपली हमने जैसे ही 10.1 में किया था इसको भी वैसे ही तीनों को ऐड कर लेंगे, चाहे आप रो में ऐड करना चाहते हैं रो में ऐड कर लीजिए, कॉलम में ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम में ऐड कर लीजिए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल डेल्टा मान लेते हैं, और डेल्टा हमारे किसके इक्वल आ गया, वाई प्लस के, वाई 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 प्लस के, वाई 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 प्लस के। सो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है इसे सॉल्व करने के लिए। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी सिक्स कि अगर हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस चाहे रो में चाहे कॉलम्स में, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। सो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम वन में सच डैट सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बाई यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स। प्रॉपर्टी सिक्स का हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं, y प्लस वाई टू वाई प्लस थ्री वाई, सो थ्री वाई प्लस के वाई वाई, सिमिलर सभी में यही पैटर्न होगा, थ्री वाई प्लस के वाई प्लस के वाई, थ्री वाई प्लस के वाई वाई प्लस के। सो अब हम यहाँ से कॉलम वन से थ्री वाई प्लस के को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन थ्री वाई प्लस के फ्रॉम सी वन कॉलम वन में से। सो हमारे पास क्या आएगा इसको कॉमन लेने से, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री वाई प्लस के तो हमारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर क्या रह गया, वन 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 कॉलम वन में, वाई वाई प्लस के और वाई कॉलम टू में, y y y प्लस के कॉलम थ्री में। अब अगेन हम प्रॉपर्टी सिक्स का यूज करके क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशंस यूज करेंगे रो टू में सच डैट रो टू माइनस रो वन, एंड ऑपरेशन हम यूज करेंगे रो थ्री में सच डैट रो थ्री माइनस रो वन। हम R1 को स्टैंडर्ड रख के दोनों में से माइनस कर देते हैं, सो थ्री वाई प्लस के आफ्टर ऑपरेशंस मेरे पास क्या आएगा, रो वन एस एच ही रह जाएगी, रो टू जीरो, सो यहाँ पे केवल बच गया के, सो वाई माइनस वाई जीरो जीरो, सो जीरो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बच गया के। अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सी वन, एक्सपेंड बाय सी वन, तो मेरा डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा टू इंटू टू की फॉर्म में। कैसे, अब देखिए कॉलम वन में सिर्फ मेरे पास वन ही नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर जीरो जीरो लेंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, सो वन जिस रो में है वो भी कैंसिल आउट, वन जिस कॉलम में है वो भी कैंसिल आउट। सो वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो वन इंटू में आ जाएगा, सो माई डिटरमिनेंट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ के जीरो जीरो के। ठीक है, अब हमें मालूम है इसे सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई विद माइनस, सो जीरो ही हो जाएगा, सो के इंटू के के स्केयर, सो थ्री वाई प्लस के इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन नहीं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके के स्क्वायर। सो इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं अपने प्रूफ वाली फॉर्म में, के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जब भी हमारे पास एक रो में सिमिलर आ रहे हैं बाकी रोज के साथ, मतलब सेम टर्म्स रिपीट हो रही हैं, सो हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, सो वन वन आ जाएगी हमारे पास एक रो या एक कॉलम, उसमें हम फर्दर ऑपरेशंस लगा के एक्सपेंड कर लेंगे।